अस्सलाम वालेकुम सल्ला, एनिमेट की नई क्लास शुरू करते हैं। आज देखेंगे मूवी क्लिप क्या चीज़ है। मूवी क्लिप किसी भी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू मूव करवाना है आपने, ठीक है, चाहे वो लोगो हो जो आप चाह रहे हैं कंटिन्यू मूव कर रहा है। फर्स कोई साइकिल चला रहा है तो वो उस पैडल मारने की एक एनिमेशन हो सकती है। कोई वॉक दिखा रहे हैं तो उसकी जो वॉक्स की एनिमेशन है वो आप मूवी क्लिप में बना सकते हैं। या कोई बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं तो उनकी बर्ड्स की जो विंग्स हैं बर्ड्स की जो विंग्स हैं उसकी जो मूवमेंट है वो आप मूवी क्लिप में रख सकते हैं, ठीक है। चलें थोड़ा बेसिक देखते हैं, शुरू करते हैं। मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ और इसे पहले हम सेव कर लेते हैं एज अ ग्राफिक, ठीक है, ग्राफिक सेव कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है, लाइब्रेरी में आ जाए, ठीक है। ये एज अ ग्राफिक सेव हो गया, देखें राइट क्लिक करें, आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाके दिए आपके पास ग्राफिक आ रहा है, आपने ग्राफिक सेव किया। देन अगेन मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है, अगेन कन्वर्ट करूँ। अब मैं इसको मूवी क्लिप में कन्वर्ट कर रहा हूँ ग्राफिक को, ठीक है। ठीक है, इसका नाम मैंने चेंज कर दिया है, ये आ गया। देखिए आइकन भी देख लें, ये मूवी क्लिप का आइकन है, ग्राफिक का आइकन है, ठीक है। अब जब सीन में हम खड़े हैं, राइट क्लिक करें, शो लाइब्रेरी कर लें, तो देखें यही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है आपका। डबल क्लिक करें से आप तो देखें यहाँ पर चेंज हो गया। अगर देखें हम सीन पे थे, यहाँ देखें हम सीन पे, डबल क्लिक करें तो आप मूवी क्लिप में आ गए। अगेन डबल क्लिक करें तो आप इसके ग्राफिक में आ गए, ठीक है। तो मूवी क्लिप के लिए हमें ज़रूरत है ग्राफिक की, अगर हम कोई मूवमेंट दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप मॉर्फ कर रहे हैं तो फिर आप इसको एज ए ग्राफिक ना लें, फिर आप इसको डायरेक्ट ही बना सकते हैं हम, ठीक है। चलिए वो भी हम देख लेंगे अभी, डायरेक्ट मूवी क्लिप लेंगे और कुछ इस मॉर्फ करके देख लेंगे, शेप टू शेप कन्वर्ट, ठीक है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर कुछ एनिमेशन कर लेता हूँ सिंपल सी, मैं इसको सेंटर में रख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ जी, ये 25th फ्रेम तक ये है ना, रोटेट कर लें और राइट क्लिक करें, इसको क्लासिक टून दे देते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ में आ जाएँ, यहाँ से रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में आया और मैंने की फ्रेम को सिलेक्ट किया तो ये रोटेट का ऑप्शन आ गया। अगर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट ऑन हो जाएगा। फ्रेम पे जाएं, ये फ्रेम के ऑप्शंस आ रहे हैं, रोटेट क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसकी 1 स्पीड रखते हैं अभी फिलहाल, ठीक है जी। और अब आ जाएँ वापस सीन के ऊपर अपने, ठीक है। और इसका सेंटर पॉइंट यहीं रखें, मैंने सेंटर पर बाहर होगा तो वो एनिमेशन सही नहीं होगी, ठीक है। आप ज़रा कंट्रोल एंटर या कमांड एंटर करके देखें, ठीक है, कांस्टेंट मूव कर रहा है ये कि यहाँ देखें आप सिंगल फ्रेम है और यहाँ अगर हम प्ले होगा नहीं, या तो स्टेज के ऊपर सिंगल ही फ्रेम है, ठीक है। और कंट्रोल एंटर जब आप करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये मूवी क्लिप है, कांस्टेंट मूव कर रही है, ठीक। या इस तरह कोई लोगो भी हो सकता है जो आपने यहाँ रखा हुआ है, कोई भी कुछ भी आप बना रहे हैं और कोई भी चीज़ फ्लाई कर रही, कुछ भी हो सकता है। इसमें डबल एनिमेशन भी हम कर सकते हैं कि एक तो हमने यहाँ रखा है इसको, दूसरा हम इसको यहाँ मूव करवा दें इसके अंदर, ठीक है। लाइक मैं 25th फ्रेम भी लेता हूँ, एक सेकंड, और इसको यहाँ मूव कर लेते हैं, ठीक है। और राइट क्लिक करें, इसे भी क्लासिक टून दे देते हैं और अब ज़रा इसको प्ले करें यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ मूवी क्लिप की एनिमेशन नहीं दिखाएगा यहाँ पे प्ले करने से, यहाँ सिर्फ जो आपने स्टेज पे एनिमेशन किया ये शो करेगा। जब आप कंट्रोल एंटर या कमांड एंटर करेंगे तब ये शो करेगा, ठीक है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। डबल एनिमेशन हो गई आपके, एक तो ये मूवमेंट हो गई आपकी, दूसरी रोटेशन हो गई। अच्छा, हम चाह रहे हैं 50th पे आके ये वापस आ जाए अपनी जगह पर, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ऑल्टर सी, ठीक है, मैक में हूँ तो कमांड ऑल्टर सी, और 50th पे आ जाए कमांड ऑल्टर वी, तो ये की फ्रेम कॉपी पेस्ट हो गया। अगर मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता तो आपका ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट होता, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, की फ्रेम कॉपी पेस्ट हो गया। की फ्रेम से फ़ायदा क्या हुआ, जो ये पोजीशन यहाँ इस वक्त थी वही पोजीशन एंड में आ गई आपके पास, ठीक है। तो हमने इसे जस्ट राइट क्लिक करना है और इसे जाके क्लासिक ट्विन अप्लाई करना है, ठीक है। और आप यहाँ प्ले करके अगर देखें, ठीक है, और कंट्रोल एंटर करेंगे तो वो रोटेशन के साथ होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया इतना। अब आगे एक और मूवी के लिए बनाते हैं, जो मैंने कहा था डायरेक्ट हम उसको
मूवी क्लिप के अंदर ही एनिमेट करेंगे, ठीक है। तो हम जाते हैं इंसर्ट में और न्यू सिंबल लेते हैं, कंट्रोल या कमांड F8, ठीक है। यहाँ क्या था, मोटिवेशन कन्वर्ट करे थे सिंपल F8, हमने बना चुके थे ना, यहाँ हमने बनाया नहीं कुछ भी, हमें डायरेक्ट क्या चाहिए, प्लेस चाहिए जहाँ हमने बनाना है। तो यहाँ देखिए हम सीन में खड़े हैं, जब यहाँ जाएंगे आप तो न्यू सिंबल, जब से नाम पूछेगा हमने मूवी क्लिप लेना है, ठीक है। या मूवी क्लिप 2 कर देता हूँ, मूवी क्लिप 2, ठीक है, और हिट करें। देखिए आप कहाँ आ गए, मूवी क्लिप 2 में आ गए, जो कि अभी एक खाली स्पेस उन्होंने हमें दे दी है। ये हम कुछ भी बना सकते हैं। अगर मैं वापस सीन पे आ जाऊँ, ठीक है, आप सीन पे आ गया, अब मुझे दोबारा वहाँ जाना है, यहाँ से भी जा सकते हैं आप। मूवी क्लिप 2 ये आ गए, वापस सीन पे आ जाएं और लाइब्रेरी पे आ जाएं, यहाँ से भी जा सकते हैं हम। मूवी क्लिप 2 है, ये 1 है, 1 को यहाँ से आप प्ले भी कर सकते हैं, ठीक। ये प्ले का साइन आ रहा है, अगर मूवी क्लिप आ गया तो प्ले का साइन आ रहा होगा। और ये मूवी क्लिप में अभी एम्प्टी है तो कुछ नहीं आ रहा, साइन नहीं आ रहा। जब एनिमेशन बन जाएगी तो यहाँ भी साइन आ जाएगा, और ग्राफिक में कोई प्ले का साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो मूवी क्लिप 2 में आते हैं, डबल क्लिक कर लें तो यहाँ आ गए। क्लियर है किस तरह हमने जाके जंप करना है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर कुछ मॉर्फिंग करनी है, तो मैं ले लेता हूँ, चलें एक कलर चेंज करूँ कुछ। ठीक है, और इसके साथ ही मैं यहाँ पर 25th पे, अब ज़रूरी है आप 25th पे करें, डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एनिमेशन है, स्लो करना है फास्ट करना, तो उसी हिसाब से अपना 50th पे भी ले सकते हैं। मैं 50th पे ले रहा हूँ अभी, ठीक है। और यहाँ मैं लूँगा F7, ठीक है। ब्लैंक की फ्रेम चाहिए मुझे, वहाँ मैं एक और शेप बनाऊँगा अलग। देखिए ये शेप क्या है, अभी सेलेक्ट नहीं किया, इसके डॉट नज़र आ रहे हैं आपको अभी, ठीक है। और लाइन अलग है, ठीक है, और शेप ये अलग है इनर, और ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ 50th पे, और यहाँ जाके मैं ब्लैंक की फ्रेम दे रहा हूँ, F7 शॉर्टकट है, ठीक है। यहाँ आपके पुराने वर्जन में ये ऑप्शन नहीं होगा, तो आप जाएँ यहाँ पर राइट क्लिक करें, ठीक है, और F7 कर, ठीक है, कन्वर्ट टू ब्लैंक की फ्रेम, F7 शॉर्टकट, इसको हिट करें। तो ये देखें की फ्रेम तो यहाँ आ रहा है, मगर ऑब्जेक्ट नहीं है, होलो है ना, ये सॉलिड है, इस पर ऑब्जेक्ट रखा है। अगर मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ देखें कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब ये ब्लैंक है की फ्रेम, अब मैं यहाँ कुछ भी बना लेता हूँ, और मैं पॉलीगन बना लेता हूँ, ठीक है। कलर ये रखते हैं फिलहाल, जगह अभी मैं इसकी ये रख रहा हूँ, और अब इसको राइट क्लिक करें और जाके हम शेप कर देंगे, ठीक है। प्ले करके देखें, ठीक है जी, मॉर्फ हो रहा है। अच्छा मैं अंडू कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ, मैंने F7 लिया था ना, मैं अगर F6 ले लूँ तो क्या होगा, मैंने यहाँ पर अंडू कर दिया मज़ीद, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर F6 कर रहा हूँ, ठीक, इनके यहाँ से मैं इसको ये वाला आ गया, या फिर आप F6 कर लें, या राइट क्लिक करें और यहाँ से F6 कर लें, कन्वर्ट टू की फ्रेम, प्रीवियस की फ्रेम यहाँ क्लोन हो जाता है। F6 से क्या होता है, जो प्रीवियस जो भी की फ्रेम होगा, यहाँ हो कहीं भी हो, तो वो क्या होता है, यहाँ क्लोन होकर आ जाता है, ठीक है। अब क्या था, फर्स्ट पे आपका ये रेक्टेंगल आ रहा था, वो यहाँ क्लोन हो गया, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको डिलीट कर दें यहाँ से, डिलीट करने के बाद अपना नया शेप यहाँ बना लें, कोई भी शेप बना लें, या ये भी कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर लें, वाइट एरो पर जाएँ, डायरेक्ट सिलेक्शन पर जाएँ, और इसको मैं ठीक है जी, मैंने इस तरह करके इसको मॉडिफाई कर लिया, और मैं इसका जो इनर कलर है वो भी मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आउटलाइन भी मैं इसकी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज अब ज़रा इसको राइट क्लिक करें और शेप टू दे दें और प्ले करके देखें, सही है, तो ये भी तरीका सही है। इसके आगे मैं एक और शख्सियत पे जाके एक और की फ्रेम ले रहा हूँ और इसको मज़ीद मॉडिफाई कर लेता हूँ मैं, ठीक है जी। दोबारा मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, ठीक, आउटर भी चेंज कर लेते हैं,
आउटलाइन पहले सेलेक्ट करनी पड़ेगी, हम डबल क्लिक कर लें, ठीक है, उसके बाद फिर आप आउटलाइन चेंज कर लें। दोबारा मैं यहाँ जाके राइट क्लिक करें और क्रिएट शेप टूल, ठीक है, आप प्ले करते हैं, सही है। आखिर में इतना जल्दी क्यों हो रहा है कि हमने फ्रेम सिर्फ 10 रखे हुए हैं। अगर आप चाह रहे हैं इसको पीछे कर लें, ये ले कोई इशू नहीं है, 30th पे ले आता हूँ मैं इसको, आप प्ले कर लें, आप स्लो हो गया, ठीक है जी। तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, नया बना भी सकते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ भाई, मैं नहीं, मैं नया बना रहा हूँ पेन टूल से, ठीक है। पेन टूल लिया मैंने एक, जी लीव बना दिया जल्दी से, ठीक है, और इसमें जाके मैंने ठीक है कलर कोड कर दिया। अब ज़रा प्ले करें, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं, कुछ भी बना सकते हैं। अभी क्या हो, ये मूवी क्लिप में बन गया है, ठीक है, वापस आते हैं सीन के ऊपर और ये मूवी क्लिप को ड्रैग कर लेते हैं, एक नई लेयर बनाए, सीन पे आ गए, ठीक है, स्टेज पे आ गए, एक नई लेयर बनाई हमने और यहाँ पर इस मूवी क्लिप को हम ड्रैग कर लें, यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अब ज़रा इसको प्ले करके देखते हैं, कंट्रोल एंटर करना होगा, ठीक है, दोनों मूवी क्लिप अपनी अपनी जगह पे मूवमेंट में है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम बटरफ्लाई उसको भी कर सकते हैं, बटरफ्लाई को भी ले सकते हैं, या कोई फ्लैग है वो भी मूव कर सकते हैं, या आपकी कोई बर्ड बर्ड है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं बर्ड को किस तरह करना है। तो ये आपके पास चार डिफरेंट फ्रेम्स हैं, अब ये पाथ हैं, अब आप पेन टूल से यहाँ बना लें, ड्राइंग कर लें इसके ऊपर, या फ्री हैंड इलस्ट्रेटर में कर लें या फोटोशॉप में कर लें, मगर ये अलग अलग पाथ आप लेकर आइएगा, इनको अलग अलग सेव करना है आपने। एक को मैंने सेलेक्ट किया, मॉडिफाई में गए, F8 कन्वर्ट कर लें, वन के नाम से एज ए ग्राफिक सेव करेंगे इसको हम, वन, और ये टू है आपका, F8 कर लें, ठीक है, टू, और इसी तरह ये आपका थ्री, थर्ड है, थ्री कर लें, और ये आपका फोर्थ हो गया, ठीक है, एज ए ग्राफिक हमने चारों को सेव कर लिया। और अब आपने चारों को सेलेक्ट किया, इनको आप मॉडिफाई में जाएं, एक मिनट, ब्लैक एरो से करें जब भी काम करें, ब्लैक कर लेते हैं, और दोबारा इसको जाके चारों को अगेन कन्वर्ट कर रहे हैं इसको हम ना, चारों अलग अलग ग्राफिक्स हैं, ये देख लें यहाँ पर लाइब्रेरी में चारों को अलग अलग सेव किया हुआ है। अगर मैं चारों को एक साथ यहाँ ले आता हूँ अपने सीन के ऊपर, और चारों को मैं जाके दोबारा कन्वर्ट टू सिंपल कर रहा हूँ, ऑलरेडी सेव हैं वो ग्राफिक, इसको मूवी क्लिप में कर रहा हूँ, ओके, और यहाँ भी सीन पे खड़े हैं आप, डबल क्लिक करें इसके, आप इसमें आ गए मूवी क्लिप में आ गए, और राइट क्लिक करें, अभी एक ही लेयर पे, तो इन सब की लेयर्स अलग अलग होंगी, राइट क्लिक करें, रिसीव टू की फ्रेम कर लेते हैं, की फ्रेम, चारों के अलग अलग की फ्रेम बन गए, ठीक है, पहले वाला हमने ये उल्टा हो गया, अच्छा ये अनियन का ऑप्शन है, इसको ऑन कर लें तो आपको नज़र आएगा आपने प्रीवियस वाला कहाँ रखा हुआ है, थर्ड वाले पे आ जाएं, इसको उठा के इसके ऊपर ले आए, ठीक है, मैच करना आसान हो जाएगा आपको, और ये फोर्थ को उठाएं, और ठीक है फर्स्ट वन, सेकंड वाला यहाँ, ठीक है, तो ये ऑनियन को ऑफ कर दें, देखें लेस देन ग्रेटर देन से इसको फ्रेम को मूव कर रहा हूँ, सी, ठीक है, और अगर मैं इसको प्ले करूँ लूप में, ठीक है, स्पीड बहुत तेज़ है, कम करने के लिए क्या करना होगा आपको, एक एक F5 करना होगा यहाँ पे, ये यह आप यहाँ से हिट करें, दो दो फ्रेम ले लेते हैं यहाँ पर, और प्ले करके देखें लूप में, ठीक है, ये आपकी मूवी क्लिप में इसकी विंग्स की एनिमेशन बन गई। इसमें कोई सवाल है तो मुझे बताएं, कोई मसला कुछ समझ में नहीं आई है जी बताएं,
हाँ कितनी दफ़ा? एक दफ़ा बस, एक दफ़ा हो गया ही कंप्लीट। हाँ आप 3 में भी कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं, 8 में कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। जितना स्मूथ चाहिए आपको, जितना स्मूथ चाहिए तो ज़्यादा फ्रेम्स में आप इसे ड्राइंग लेंगे। जी ठीक जी, अलग अलग करना पड़ेगा। बॉडी देखें सेम रहेगी, सिर्फ उसकी जो विंग्स हैं ना वो चेंज होंगे। ठीक है अच्छा, अब ये हमने मूवी क्लिप में थे, मूवी क्लिप में ही एनिमेशन इसकी बन गई है। अब आप आ जाएं सीन के ऊपर, आ जाएं सीन वन, और ये हमारे पास हमने कन्वर्ट किया था मूवी क्लिप में। इसको ज़रा प्ले करके देखें, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। ये बॉडी सेम है और सिर्फ फ्लाई जो विंग्स हैं वो फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको मूवमेंट देनी है कि फर्स्ट फ्रेम पे इसको हम ले आते हैं जी, फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ आ जाए, और इसके इसमें हम एनिमेशन दे देते हैं, इसको हम मोशन टू दे देते हैं। ठीक है, और ये आखिर में इसको हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, अब ज़रा प्ले करके देखें, ये कंट्रोल एंटर करें तो आपको फ्लाई करता नज़र आएगा। ठीक है, स्टार्ट में इसका साइज छोटा कर लें, ट्रांसफॉर्म पे आ जाएं और इसका शिफ्ट प्रेस करें, थोड़ा सा साइज छोटा कर लें इसका। ठीक है, और आप कंट्रोल एंटर। ठीक है अच्छा, इसमें एक चीज़ है, इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएं तो ये ओरिएंट टू पाथ, ओरिएंट टू पाथ कर दें तो ये थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह का रिजल्ट आएगा। अच्छा खैर, ओरिएंट टू पाथ को मैं बंद कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये मैं खुद मैन्युअली नहीं इसको मूव करना चाह रहा हूँ, मैं ज़्यादा इस तरह कर्व में आएगी घूमता हूँ ना। अब कंट्रोल एंटर, ठीक है, तो ये आपको एडवांटेज है इसका ना, मोशन टू इनका जितना चाहें इसको आप, और ये मैं इसको बाहर ले आऊँ ताकि यहाँ से बाहर निकल जाए। ठीक है, और स्टार्ट में थोड़ा सा रोटेट कर लें। अच्छा, इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको तो यहाँ रखें, सेंटर पॉइंट की वजह से गड़बड़ कर रही है। ठीक है, और एंड पे आके चेक करें। ठीक है, कंट्रोल एंटर। ठीक है, एंड में बिल्कुल सीधे जा रहा है, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दें एंड में। इसको हम ओरियन इसका ऑन कर दें, ओरियन टू पाथ, अगर ये इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा है ओरिएंट ऑन करने से, क्योंकि हमने कर्व किया है ना, लीनियर पे तो सही रहता है, अदरवाइज़ वो यहाँ मज़ा नहीं देगा। इसको बंद कर दें। अच्छा, ईज़ इन ईज़ आउट, ये फर्स्ट फ्रेम पे मैं इसको चाह रहा हूँ थोड़ा सा ये, ठीक है, और एंड पे आ जाए ये, कि स्पीड थोड़ी सी स्पीड से आया और फिर स्लो हो गया। ठीक है, तो ये आप जो हम काम कर रहे थे, जो सीनरी हम डिज़ाइन की थी उस पर बर्ड्स थी, तो इसी बर्ड्स को आप जो है वो मल्टीपल टाइम ड्रैग कर लेंगे, या तो इसी को कॉपी कर लें और नए लेयर पे लेकर आ जाएं वो, ठीक है, या फिर ड्रैग कर लें, कोई नई मूवमेंट देनी है तो ड्रैग कर लाइब्रेरी में जाएँ और ये आपकी बर्ड ये आ रही है, और इसको आप मल्टीपल टाइम डिफरेंट लेयर्स के ऊपर लेकर आइएगा।
ठीक है, यहाँ रख लें। अब ये सिंपल कर लें, आप सीधी यहाँ से यहाँ जा रही है, फर्ज करें यहाँ रखा आपने और यहाँ जाके आपने इसको F6 कर दिया, और यहाँ आपने सिंपल इसको मूव कर लिया, और यहाँ क्लासिक ट्विन दे देते हैं। कलर कर लीजिएगा, ये तो खैर मैंने कलर नहीं किया, तो कलर से थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, और साइज़ मज़ीद छोटा कर लें। ठीक है, देखें एक ही मूवी क्लिप है मगर डिफरेंट वो आ रहे हैं आपके पास ना, वेरिएशन लग रही है डिफरेंट। तो ये सिर्फ मूवी क्लिप एक जगह आपने इनके क्लासिक ट्यून यूज़ किए, एक जगह आपने मोशन ट्यून यूज़ किए, तो ये फ़र्क है।